शिक्षा हुआ सेलमी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़े। जय हिंद दोस्तों, भरत सर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए आज का मेन टॉपिक है वीडियो का कि कौन कौन सी देश की मुद्रा डॉलर है, ठीक ना। देखिए पीछे वाले वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि एक वीडियो अपलोड किए थे कि कौन कौन सी देश की मुद्रा रुपया, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। जबरदस्त और देसी जुगाड़ में ट्रिक बनाया गया, ठीक ना। देखिए एक बात हमको बताइए, पूरे दुनिया में तो यूएनए के अनुसार 193 देश है, तो वह कौन ऐसा देश है कि जिसकी मुद्रा सबसे महंगी है? तो देश का नाम है कुवैत। कुवैत, कुवैत जो अरब प्रायद्वीप के पूर्वोत्तर देश है, वो कुवैत जिसकी राजधानी कुवैत सिटी है, उनका मुद्रा का नाम है दिनार। क्या नाम है सर? दिनार। क्या नाम है? दिनार। एक दिनार बराबर, पता है अगर रुपया में इसको कन्वर्ट किया जाए तो 248 रुपया होता है। अगर एक दिनार आपको देगा कुवैत के जनता तो आपको कितना देना पड़ेगा उसको? 248 रुपया, यानी कि एक दिनार बराबर 248 रुपया। लेकिन आज का टॉपिक में मेरा है डोमर, तो बताइए एक डोमर बराबर कितना रुपया? एक डोमर बराबर करीब करीब 70 रुपया के आसपास आता है, 69 आता है। लेकिन आप अप्रोक्सिमेटली इसको याद रखिए, एक डोमर बराबर 70 रुपया। दुनिया में सबसे अगर अमीर देश की बात कीजिएगा तो कतर है। कतर हो गया, लक्जमबर्ग हो गया, उसके बाद इनका भी रैंकिंग अच्छा है कुवैत का। तो दुनिया का सबसे महंगा सर अगर बात कीजिएगा, भारत ना एक विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या इतनी अधिक है कि प्रति व्यक्ति आय अगर इनकम दिया जाए तो आप जब जाति आवासीय आय वगैरह बनाते हैं, आय बनाते हैं, तो उसमें आप कितना देते हैं? वर्ष में 40,000-60,000। लेकिन एक बात बताएं सर, कतर देश ऐसा है ना, उनका आय का अगर बात कीजिएगा तो 1.04 करोड़ रुपया हमारे देश से कितना गुना अधिक है। सोच सकते हैं हम आज कितने पीछे हैं, हमारा देश बहुत पीछा, विकासशील देश के अंतर्गत आते हैं, विकसित नहीं है। इसका मेन जड़ क्या जानते हैं? शिक्षा। शिक्षा के अभाव के कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। शिक्षा हमारा वह आधार है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। देखिए हम देश की मुद्रा बताने जा रहे हैं डोमर वर्मा। इसका जीके ट्री के अनुसार अगर इसका ट्रिक याद रखिएगा, सीता जी वन से कहां आए। तो देखिए सौ से याद रखिए सी से सिंगापुर, सी से याद रखिएगा सिंगापुर, ता से याद रखिएगा ताइवान, जी से जिम्बाब्वे, और वो से याद रखिएगा बरमूडा, और नौ से याद रखिएगा न्यूजीलैंड, और से याद रखिएगा सेंट लुइस, और क से याद रखिएगा कनाडा, और ह से याद रखिएगा हांगकांग, और आई से रखिएगा आ से ऑस्ट्रेलिया, और ए से अमेरिका। इसका तो ये ट्रिक है, ठीक।